हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रिसमस स्पेशल रेसिपी। आप इसे बच्चों के बर्थडे पार्टीज़ में भी बना सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है और इसे बनाने में आपको 2 मिनट लगेंगे, 2 से 5 मिनट। इसे ज़्यादा टाइम आपको इस रेसिपी के लिए नहीं लगेगा और डेफिनेटली ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो ज़रूर ट्राई करिए। बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है, वीडियो को एंड तक देखिए और आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो आइए शुरू करते हैं ये रेसिपी बनाना। तो सबसे पहले ले लिया है मैंने बच्चों का फेवरेट ओरियो। ये 10 रुपीज़ का, आई थिंक 15 रुपीज़ का पैक है। सबसे पहले हम ये बिस्किट्स को ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। आप ओरियो का कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं जो आपके बच्चे को पसंद हो। तो इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और कुछ बिस्किट्स हमें एज इट इज़ रखने हैं, जिनको ग्राइंड नहीं करना है, उसे हमें बाद में यूज़ करने के लिए चाहिए है। तो थोड़ा सा हम इन्हें तोड़ देंगे और एक पाउडर बना लेंगे। तो आप देखिए कुछ इस तरीके से ये पाउडर बन गया है और ग्राइंड करते टाइम हमें इसकी क्रीम बिल्कुल भी नहीं निकालनी है, एज इट इज़ हमें इसे ग्राइंड करना है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ गया है। तो अभी इसे रख देंगे हम साइड में। अब हम सबसे पहले जो हमने ये पाउडर रेडी किया है इसे हम ले लेंगे कप में। ये माइक्रोवेव सेफ कप्स हैं, मग्स हैं, तो यहाँ पर मैं 2-2 चम्मच अभी ऐड कर रही हूँ। तो टोटल यहाँ पर मैंने 3-3 चम्मच ऐड कर दिया है इन मग्स में। अब इसमें ऐड करेंगे पाउडर शुगर। बिस्किट पहले से मीठा है पर इसे थोड़ा सा और मीठा करने के लिए हम इसमें पाउडर शुगर ऐड करेंगे। इसमें हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं डालने हैं क्योंकि बिस्किट से बना रहे हैं तो ऑलरेडी चीज़ें इसमें एडेड हैं। और इसमें मैंने पिंच ऑफ सोडा डाला है और इसके अलावा हमें इसमें और भी कोई ड्राई इंग्रेडिएंट नहीं डालना है। अब एक फोक लेंगे और फोक से इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। मेक श्योर जब भी आप मग केक बना रहे हैं तो आप मिक्स करने के लिए फोक यूज़ करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पून से आप यूज़ करेंगे तो इवनली मिक्स नहीं होता है। तो अच्छे से मैंने सभी ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स कर दिया है। अब हम डालेंगे दूध, तो स्पून से दूध डालेंगे। तो अकॉर्डिंगली अभी मैंने 4 स्पून इसमें मिल्क डाल दिया है। मेक श्योर जब भी मिल्क ऐड करें आप केक में या मग केक में तो वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म और ना ही ठंडा। तो आप देख सकते हैं, और क्योंकि हम ये केक बना रहे हैं बिस्किट से तो ये बहुत ज़्यादा नहीं फूलेगा, जैसे कि हम मग केक बनाते हैं वो फूलता है, ये उस तरीके से नहीं फूलेगा। हम सिर्फ इसका एक बेस बना रहे हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने। इसमें बटर, घी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिस्किट्स में सब कुछ एडेड है। तो अब रख दिया है मैंने इसे माइक्रोवेव में और सिंपल बिना किसी मोड के हम इसमें 2 मिनट का टाइमर सेट करेंगे और इसे बेक होने देंगे Only 2 मिनट्स के लिए। तो after 2 मिनट्स ये बेक हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम करेंगे इसकी डेकोरेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक लेयर डालूंगी मेल्टेड चॉकलेट की। आप इस तरीके से लेयर्स में भी बना सकते हैं ये रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने डार्क कंपाउंड को मेल्ट कर लिया है डबल बॉयलर से और उसे हम इसमें ऐड करेंगे। आप इस मेल्टेड चॉकलेट में ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, आपके बच्चे को जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैंने ले लिया है यहाँ व्हिपिंग क्रीम, जिसको मैंने बहुत ही थोड़ा सा बीट किया है, कोई स्टिफ पीक्स आने तक हमें बीट नहीं करना है। और इस तरीके से हम व्हिपिंग क्रीम को स्प्रेड कर देंगे। और इसे इवनली स्प्रेड कर देंगे और ये जो हमने ओरियो को ग्राइंड किया था तो मैंने उसमें से कुछ बचा लिया था और इस तरीके से इसके ऊपर हम इसे एक लेयर इसकी स्प्रेड करेंगे
इस तरीके से हाफ पार्ट में, जिसे ये देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है, आप बच्चों के बर्थडे पार्टीज़ में, क्रिसमस पर भी बना सकते हैं, डिस्पोजल में बच्चे इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो इस तरीके से मैंने ओरियो की लेयर भी लगा दी है और इसके ऊपर डालेंगे हम वाइट चॉकलेट चिप्स। आप स्प्रिंकलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, तो थोड़े से स्प्रिंकलर्स भी मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। अब लास्ट में लगाएंगे साइड में हम एक एक ओरियो बिस्किट। तो लग रहा है ना बिल्कुल देखने में अट्रैक्टिव और टैम्पटिंग। तो ज़रूर ट्राई करिए ये रेसिपी, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।